Hello everyone, this is Sayed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. Jag khedda phire mere naal. कितनी देर लगेगी? 10-15 मिनट लगेंगे। रोटी गर्म हो गई थी। एक बात बता मुझे, क्यों कर रहा है तू ये सब? ये भाग दौड़, ये खतरा क्यों मोल दे रहा है मेरे लिए? प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना तुझे मुझसे? गलती से भी मैंने हाँ कर दिया ना तो जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी, तेरी भी और मेरी भी। मेरी तो इतनी जिंदगी बची ही नहीं है, मुश्किल क्या होगी? मेरे साथ तो बहुत सी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं ना, जिन्हें मुझे जिंदा रखना। सलीमा के पेट में मेरा होने वाला बच्चा, मेरी बेटियां, मेरी माँ। एक बात बता मुझे, इतनी सारी बेटियां क्यों पैदा कर लिया तूने बगैर सोचे समझे? अल्लाह ने रिस्क छोड़ा हुआ उनका मेरे साथ। इंसान क्या दुनिया में सिर्फ चारा चढ़ने आता है? जानवर है, बंदे को बंदा बनने के लिए बंदगी चाहिए। अब बंदगी भेड़ बकरियों के रेवड़ में नहीं मिलती। पैदा किया और आगे चारा डाल दिया रिस्क का। तू ना इतना बेवकूफ है राशिद चंद, और ना इतना बेहिस है। बस कर दे अब तू। राशदा जी, चौधरानी साहबा, इधर आओ। मेरे पैर दबा। तो तुझे कह रही हूँ मेरे पैर दबा। वो चौधरी साहब, चौधरी साहब को मैं देख लूंगी, पैर दबा। मर गई सम्मी। मैं तुझे क्या हो गया? तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? पता तेरे लिए मैं कितना परेशान रहती हूँ, कितनी दुआएं मांगती हूँ तेरे लिए। तो मत मांगो मेरे लिए दुआएं, कोई फायदा नहीं है, ना मेरे लिए रोने का ना परेशान होने का। तू ऐसा क्यों कर रही है सम्मी? तुझे क्या हो गया? कहा ना, मर गई सम्मी। सम्मी तू जिंदा है, तू जिंदा है, देख तू मेरे सामने खड़ी हुई है। सब कह रहे हैं कि इस इतवार तेरा चौधरी साहब से निकाह हो जाएगा, फिर तू उनकी यरगमाली बन जाएगी। मैं तुझसे मिलने कैसे आऊंगी सम्मी? तू अपनी सहेलियों से मिलेगी ना? चल अमाज रीना, राशिद कहाँ है सारे? हरामखोरों की औलाद, मैंने सांप पाल रखे हैं।
जो हवेली में हर तरफ बिलों में घुसे हुए है। और कहाँ थी तू? चॉइस साहब, ये मेरे कमरे में थी, मेरे पैर दबा रही थी। अब मालिक की बात सुने या मालकिन की, मामला तो अब बराबरी का है ना। ये राशिद की बेटी है ना? जी चौधरी साहब। जी चौधरी साहब। और किधर मर गया राशिद? सुबह से उसका फोन भी बंद है। ताड़े किसे काम वास्ते गया होना है, उसी भेजे होना है। अब मेरे किसी काम से नहीं गया। किधर है उसकी बुड्ढी? अस्पताल गई है, बीमार है। और बेटियों को छोड़ के जसूसी पे? वो तो नमक हराम है ही, अपनी बेटियों को भी नमक हरामी पे लगा दिया है। बस चौधरी, ये मेरे राशिद दिया तिया ने, ये हलाल दिया तिया ने, मेरे राशिद दिया, ये मेरिया पोतरिया ने, तुसी इन्हां नूं कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। चौधरी जी, मैं अपनी पोतरिया नूं लै के जा रही हाँ, ये रब दी जमीन बहुत वड्डी है, तुसी वेखना वेखना, तुसी मैं लै के जा रही हाँ, मैं अपने राशिद नूं भी लै जाऊंगी। बस रिया, चलो कम करो अपने, जाओ तमाशा लगे थे। अरे तुम लोग नीचे क्यों बैठे? ऊपर ऊपर बैठो। नहीं सरकार, यही सही है। हम मेरे यहाँ कोई नीचे बैठने वाला मामला है नहीं, ऊपर बैठो। बैठो। तू चौधरी गब जमात का मुलाजिम है ना? क्या नाम है तेरा? राशिद चंद। हाँ हाँ। ये बीवी है तुम्हारी? नहीं जी। नहीं नहीं जी। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे ऐसा लगा था। हाँ कहो, कैसे आना हुआ? हुँ? बड़े सरकार साहब, चौधरी रब नवाज की बेगम ने भेजा है। बेगम साहब? और कहा है कि वो खुद हाजिर नहीं हो सकी है, इसको ऐसी समझे जैसे वो आपके हजूर खुद ही हाजिर हुई है। खैरियत है ना? जी, वो इस खत में सब लिख दिया है बीबी साहब ने। वकील साहब, मैं जानती हूँ कि मैं आपकी फीस अदा नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी आपके पास आई। आपका काम लोगों को इंसाफ दिलाना। इस मुल्क में बहुत सारे लोग अपनी दौलत की ज़कात निकालते हैं। आप बहुत बड़े वकील हैं, आज आप इंसाफ की ज़कात निकालते हैं। मैंने सुना है दौलत की ज़कात निकालने में ये मुल्क पहले नंबर पे, लेकिन यहाँ इंसाफ की ज़कात कोई नहीं निकालता। हालांकि इंसाफ का कारोबार बहुत बड़ा है। हम जैसे को तो ये भी नहीं पता होता वकील साहब कि हमारा हक कितना है और कितना नहीं। औरत होने के नाते बचपन से यही सीखा है कि औरत का कोई हक नहीं होता, सब हक मर्द के होते हैं। आमिर यहाँ आओ। जी सर। ये विरासत का केस है, इनकी फाइल तैयार करो और इनके भाई को नोटिस भिजाओ। ये केस हमने लड़ना है। जी सर। अब तुम लोग जाओ, बीबी से कहना फिक्र ना करें, अल्लाह बड़ा कारसाज रहीम व करीम है, सबके जुल्म का हिसाब रखता है, वो हिसाब करेगा, होगा हिसाब, होगा।
राशिद। जी बड़े साहब। पुत्र इसका ख्याल रखना, पुत्र ख्याल रखना। निकालो मेरे घर से। दो टके का इंसान, इंसान भी कह रहे हो और दो टके का भी कह रहे हो। गल सुनो मेरी, मेरी बहन को तलाक दे दी थी तूने। चल। मैंने उसे तलाक नहीं दी है। ये रही मेरे निकाहनामे की फोटोकॉपी, जिसे तुम पहले की तरह चाहो तो फाड़ भी सकते हो। असल मेरे पास महफूज है और इसके गवाह भी मौजूद हैं जो अदालत में गवाही देंगे। अब तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि अब मैं तुम्हारे हाथ को रोक भी सकता हूं। और मैं पहले ही लोगों को बता चुका हूं, अगर मेरे साथ कुछ मतलब कुछ भी हो गया तो उसके जवाब दे तुम होगे। ना ही तक तो मैं बहरहाल पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन ख्याल रखना अब वो अकेली नहीं है। मैं तो एक जिंदा लाश था जिसे तुमने ठोकर मारकर उसके साथ खड़ा कर दिया है। शायद अब मैं तुमसे ज्यादा जिंदा हूं। चल जा, जा मेरे घर से, निकल जाए इधर से। अभी मैं जा रहा हूं, अब नाहिद के साथ ही वापस आऊंगा, उसे उसके हिस्से की छत के नीचे खड़ा करने के लिए। शुक्रिया। बोल रहा हूं। ओ जी साईं, मैं ताबेदार उन्हें नहीं, आप हुक्म करें। जी कल सुबह। हाँ जी मैं हाजिर। नहीं बिल्कुल ठीक, मैं कर दूंगा, मैं आ जाऊंगा ताबेदार। नाहिद, नाहिद, मामू, तू बाप फजल के घर जाके देख, मैं फोन कर रहा हूँ, उनका फोन बंद जा रहा है। सरकार पे फजल के घर पे ताला लगा है। फिर वो चौधरी इफ्तखार के पास जा, कल हुसैन बाग साहब की बैठक पे जिरगा है। हाजिर सरकार। ठीक है, जा। और तू
क्या हो गया शादे? मतलब क्या है तेरा? और मेरी तरफ देख, क्या नियत है तेरी? सरकार, वो अम्मा ने फैसला किया है कि वो यहाँ नहीं रहेगी। सारा सामान भी बांध लिया है उसने। क्या भाई, अम्मा ज़रीना मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बस जी, अम्मा ने फैसला कर लिया है। पर तू? मैं अम्मा को इनकार नहीं कर सकता। ये तू बात कर रहा है? तू औकात जानता है अपनी? जाएगा कहाँ? बेटियों का टोकरा सिर पे उठा के। इस बाप का फायदा क्या जो अपनी बेटियों का बोझ ना उठा सके, उसकी जिम्मेदारियां पूरी ना कर सके। देख शादे, इस वक्त मैं ज्यादा ही परेशान हूँ। मुझे और परेशानी में ना डाल। मुझे बरादरी का जिरगा बुलाना पड़ गया है। तो इस वेले मुझे तेरी गवाही की जरूरत है। ठीक है, उस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन देख, मैं तेरा दूध शरीक भरा हूँ। कुछ तो हक बनता है ना मेरा। अम्मा ज़रीना को मैं समझा लूंगा। ठीक है, बस तू जरगे होने तक इधर ठहर जा। सरकार, मैं अम्मा से बात करके देखता हूँ, पर वादा नहीं करता। देख ज़ुलेखा, अगर जिरगे में तुझे गवाही के लिए बुलाया गया तो तुझे मेरा साथ देना होगा हर हाल में, वरना मैं तुझे छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा और बेटे को भी अपने पास रखूंगा। याद रख, बाप और भाई तलाक याफ्ता लड़की को वापस नहीं घुसने देते। तुझे तेरे सुहाग की कसम, तू मेरा मरा हुआ मुंह देखे अगर तू कसम खा ले। बेवा औरत का कोई नहीं होता, रुल जाती है वो, दर बदर हो जाती है। यहाँ रबनवाज, यहाँ बैठो ना मेरे पास, बैठो बैठो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए, और मैं चौधरी रबनवाज का भी बहुत शुक्र गुजार हूँ कि मेरे कहने पर इसने आप सबको यहाँ जमा कर लिया। ये पग आप भाइयों ने मेरे सर पर रखी है। दुआ करता हूँ रब्बे जलील से कि आपके लिए हर फैसला मैं अदल इंसाफ से करता रहूँ। मैं पग से नहीं डरता ना, डरता हूँ तो रब्बे जलाल से जो इज्जत देने के साथ साथ जिल्लत देने वाला भी। बड़ी गिरफ्त है उसकी, मखलूक के साथ रेत के जर्रे बराबर भी अगर ना इंसाफी करोगे तो उसका हिसाब तो वो जरूर लेगा, जरूर लेगा। सम्मी का बाप कौन है? मैं हूं सरकार। तुम कूड़े के ढेर पर पड़ा बिल्ली का बलूंगड़ा था कोई, जो तुमने उठाकर फेंक दिया उसे? भाई बाप, मैंने उसे
उसके भाई पर कुर्बान किया था। लड़की रात थी, उसने क्या करना था? लड़की क्या इस काम के लिए होती है? अपनी मर्जी से नहीं बनी है वो बेटी, तुम्हारी मर्जी से बनी है, तुम्हारे नुत्फे से, तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिश से बनी है वो बेटी। क्या तुम अपनी मर्जी से बेटी पैदा कर सकते हो या बेटा बना सकते हो? बोलो, खुद क्यों नहीं कुर्बान हो गया तू? अपनी गर्दन काट के क्यों नहीं पेश कर दी कत्ल के बदले में तूने अपनी? है सरकार, गुजारिश ये है कि ये बात करने दो मुझे, अब आएगी तेरी भारी बोलने की, बता दूंगा। सरदार साहब, आप हमारे लिए मोहतरम हैं, आप जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा, लेकिन इस तरह ये कमी कमी लोग हमारे सरों पे चढ़ जाएंगे। सरदार साहब, हम सब मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, रोज़ा रखते हैं, लेकिन ख़ुद को मुसलमान साबित करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम अपनी इज्जतें इन कमी लोगों को सौंप दें। मैं गवाही पेश करने के लिए तैयार हूँ सरदार साहब। मैंने उस लड़की को पनाह देने के लिए उससे निकाह का फैसला किया था। हुक्म है सरकार, हमारे दीन में किसी लड़की को पनाह देने के लिए उससे निकाह करने का। मेरी बीवी इसकी गवाह जनाब, मेरे मुलाजम इसके गवाह हैं। आप हुक्म करेंगे तो मैं उनको हासिल कर दूँगा। एक और भी गवाह है जिसे तुम सब भूल चुके हो, डरो उस वक्त से जब तुम्हें उस गवाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा जो तुम्हारे अंदर की नियतों को बखूबी जानता है। दीन को अपनी मर्जी का मतलब देते हो बेशर्मो, बेहयाई का खेल खेलते हो, लड़की को पहले बेबस बनाते हो और फिर कहते हो पनाह दिए। अच्छा बोलो, तुम में से कितने मर्द हैं जो वनी बनना पसंद करेंगे? बोलो बोलो। और तुम में से कौन सा मर्द है भला जो अपने आप को गैरत के नाम पर जलाना पसंद करेगा खुद को? बोलो, कितने जवान हैं तुम में से जो बूढ़ी औरत के साथ निकाह करना पसंद करते हैं? हाँ बोलो बोलो। और तू बता चौधरी रबनवाज, क्या तू किसी बूढ़ी औरत से निकाह करना पसंद करेगा? वो कहती है कि मुझे भी पनाह चाहिए, तो बोल तू राजी हो जाएगा? पर डर उस रब से जिसके कब्जे में तेरी जान है। सरदार साहब, आप मुझे कानून के हवाले कर दो। मुझसे कत्ल हुआ है, उसके बाद मैंने अपनी बहन को जलाने की भी कोशिश की है। आप मुझे कानून के हवाले कर दो सरदार साहब। तुम्हें कानून के हवाले ही करेंगे बच्चे? जबरदस्ती की माफी और जबरदस्ती का खून बहा दोनों ही हराम हैं, हराम। समी वनी नहीं है, हो ही नहीं सकती। ये दीन के कानून के मुताबिक भी जुर्म है और रियासती कानून के मुताबिक भी जुर्म। और अगर ऐसा हुआ तो तुम सब कानून की गिरफ्त में आओगे और समी की तरफ से गवाह बनूंगा मैं। वो आजाद है और अपनी मर्जी के फैसले खुद करेगी। सुन रहा है ना तू? सबसे बड़ा मुजरिम है तू, तू जो बेटी पैदा भी करता है और उस पर जुल्म भी करता है।
आप रहने देना, इस सब की क्या जरूरत है? कैसे जरूरत नहीं है, मुमकिन तो नहीं कि तेरा हिसाब चुकता कर सकूं मैं, पर कोशिश तो करनी पड़ती है ना। हिसाब बराबर हो गया है, आप बस करें। कैसे बस करूं, कितना इंतजार किया है मैंने कि मैं कब तेरा पेडिक्योर कर सकूं। प्रेशर ठीक है? बस तुझसे, अगर तेरे यहां लड़का हुआ उसका नाम सालार रखेगी? अगर बेटी होगी फिर भी उसका नाम सालार रख दूंगी। बहुत अच्छे लड़के से तेरी शादी करा के जा रही, उसका ख्याल रखना, संभालना उसे। तेरी शादी के लिए तोहफा है मेरे पास, ये ले। ब्यूटी पार्लर आज से तेरा, अच्छी तरह चलाना, नाक मत कटाना मेरी। भी हो जाए अपने हाथ का पैसा कभी मत छोड़ना, कॉन्फिडेंस से चलना। बहुत सम्मियां हैं यहां, उन्हें तेरी जरूरत पड़ेगी। आप क्यों जा रही हैं? आप मत जाएं, वहां कौन है आपका? आप वापस मत जाएं, वहां भी तो कितनी सारी सम्मियां हैं, उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। दुल्हन तैयार है चांद? हाँ अब तैयार है बिल्कुल। अब चौधरी साहब तुम दोनों से कोई बात करना चाहते हैं, बुला लूं? जॉय साहब आ जाए। हमारे यहां रिवाज है कि जब बहन आती है तो भाई उसको चादर देता है। हमारी तरफ से बच्ची के लिए।
चले। तेरी बहुत बहुत मेहरबानी बाबा जी। आज तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। चांदी बदनसीब खुद ही खाली हाथ। ना ना बाजी, सब की जरूरत नहीं है। आप जाओ, रब रखा। चांदी, मैंने तुझसे एक बात कहनी थी। अब बेकार सी बात है, पर मैं इस बात को दिल में नहीं रखना चाहता। इससे पहले कि मैं मर जाऊं, तू मर जाए, बस कह देना चाहता हूं। देख, मेरी बात को दिल पे मत लेना। मुझे पहले तुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी, पर इस बार ही पता नहीं क्या हुआ, मोहब्बत हो गई मुझे तुझसे। आपने दिल को बड़ा रोका, बड़ा मारा, पर हो गई। तुम उसे नफरत करना, और मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूं। बस नफरत करना तुम उसे। चल, तेरी गाड़ी का वक्त हो गया। सुन रही है ना तू? चांदी, 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 गल सुन चांदी।
कोई है? कोई है? कोई है? जे मैं तेरे कोल रहवा जे मैं राजी रहनी आ गड्डी तू तो...